अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज लिविंग थिंग्स। सो व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होती है? जानदार चीज़ें जिनकी बेसिक नीड्स क्या होगी, हम सबकी बेसिक नीड्स एयर, फूड एंड वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स क्या होगी? लिविंग थिंग्स होगी, क्योंकि प्लांट्स को और एनिमल्स को, हम दोनों को जिंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव वी नीड एयर, फूड एंड वाटर। नाउ देयर आर मेनी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। बहुत सारे लिविंग थिंग्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव एंड हैव बेबीज। ये लिविंग थिंग्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं। लिविंग थिंग क्या कर रहे होंगे? ग्रो कर रहे होंगे। नंबर वन, लिविंग थिंग्स ग्रो करेंगे, बढ़ते हैं, ईट खाना खाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। नंबर थर्ड, ब्रीथ सांस ले रहे होते हैं। नंबर फोर, मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड द लास्ट वन इज एंड हैव बेबीज, एंड की बेबीज होती है, दे कैन रिप्रोड्यूस। प्लांट्स हैव एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या है? लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ दोनों में प्रेजेंट होती हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्या था? ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। हेयर आर सम पिक्चर्स थ्रू विच वी यू कैन स्टडी लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब ये देखिए, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ पपी। पपी जब ग्रो करता है वो क्या बन जाता है? डॉग। इसी तरह कैट का बेबी किटन, जब वो ग्रो करता है कैट बन जाता है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, तो ये क्या होगा, हम इसके सीड्स जब ग्रो करते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। सीड्स स्मॉल होते हैं, ग्रो करने के बाद प्लांट बड़ा हो जाता है। इसी तरह लास्ट है चिक। चिक एग से हैच आउट होने के बाद चिक बनता है, एंड देन चिकन। हेयर इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब यहाँ पे एक एनिमल की लाइफ साइकिल बताई गई है कि सबसे पहले फ्रॉग जो होता है वो क्या करता है? एग्स ले करता है, एग्स देता है। एग्स से हैच आउट होने के बाद ये फ्रॉग टैडपोल बन जाता है, और टैडपोल जब ग्रो करता है वो अगेन फ्रॉग बन जाता है, और फ्रॉग अगेन एग्स ले करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी लिविंग थिंग्स की? के लिविंग। अब हम लिविंग थिंग्स की थर्ड प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो पढ़ चुके हैं, लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड सेकंड पढ़ चुके हैं। अब ये थर्ड है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। हर लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है? सांस लेने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? एयर, हवा। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। लिविंग थिंग्स हवा के बगैर, सांस लिए बगैर नहीं जिंदा रह सकते। वी टेक इन एयर थ्रू आर नोज एंड माउथ। हम अपना सांस कहाँ से ले रहे होते? थ्रू आर नोज एंड माउथ, अपने नोज एंड माउथ के थ्रू सांस ले रहे होते। A caterpillar takes in air through small holes on the sides of its body. अब caterpillar क्या होता है? उसकी body की surface पे small holes होते हैं, जिसके through वो सांस ले रहे होते हैं। Here is a picture of caterpillar. ये caterpillar है, और इसकी जो body पर ये small holes है, ये इसके through क्या कर रहा होता है? सांस ले रहा होता है। A fish takes in air from the water through its gills. अब फिश कैसे सांस ले रही होती है? फिश वाटर से सांस ले रही होती है, और उसके पास क्या होता है? गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो सांस ले रही होती है। हेयर इज फिशेज के गिल्स, इधर है, इसके थ्रू ये सांस ले रहे होते हैं। प्लांट कैसे सांस ले रहे हैं? प्लांट टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटम। प्लांट्स क्या करते हैं? ये इनकी लीव्स के ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं, जिसको कहते हैं स्टोमेटम। ये इनके थ्रू सांस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रीड कर देते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। जो फिश होती है वह अपने पानी में कैसे मूव कर रही होती है? टेल और फिन्स के थ्रू।
ये रही फिश की टेल और ये रही ये फिन्स। इसके थ्रू ये क्या कर रही होती है, पानी में मूव कर सकती है। अब बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग्स। बर्ड क्या कर रहे होते हैं हवा में, किसके थ्रू उड़ रहे होते हैं, विंग्स के थ्रू। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ बर्ड, ये रहे विंग्स, इसके थ्रू ये एयर में हवा में उड़ रहे होते हैं। अ फ्रॉग हॉप ऑन लैंड यूजिंग इट्स लेग्स। जो फ्रॉग होता है वो जो लैंड पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है वो अपने लेग्स के थ्रू मूव कर रहा होता है। अ स्नैक फ्लाइट्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। स्नैक की मूवमेंट देखी होगी, यह अर्थ पर बिल्कुल फ्लाइट कर रहा होता है अपनी बॉडी के थ्रू। इसके पास लेग्स नहीं होती तो ये अपनी बॉडी ही को यूज़ कर रहा होता है मूव करने के लिए। वी वॉक रन एंड जम्प यूजिंग आर लेग्स। अब हम कैसे मूव कर रहे होते हैं, हम जम्प रन और चल वॉक कर रहे होते हैं किसके थ्रू, लेग्स के थ्रू। प्लांट्स ऑल्सो मूव, प्लांट भी मूव करते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड। अब जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, ये जिस तरह ये रूट्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये ग्राउंड नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और जो द स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट। और जो प्लांट की ये देखें स्टेम है ये, और इसकी जो लीव्स हैं ये सनलाइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ। प्लांट्स ऑल्सो मूव, प्लांट्स की मूवमेंट ऐसी होती है ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल रहे होते, ये अपनी ही जगह पे रहकर इनकी मूवमेंट हो रही होती। रूट्स ग्राउंड की तरफ और स्टेम और लीव्स सनलाइट की तरफ मूव कर रही होती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी लिविंग थिंग्स की, के लिविंग थिंग्स है बेबीज। लिविंग थिंग्स की बेबीज होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव बेबीज विच ग्रो बिग एंड लुक लाइक देयर मदर। अब तमाम लिविंग थिंग्स की बेबीज होते हैं और वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और किसकी तरह लग रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह। हेयर इज़ अ पिक्चर बेबी गोरिल्ला विद द मदर। यहाँ पे बेबी गोरिल्ला है अपनी मदर के साथ, जब ये ग्रो करेगा तो ये एग्जैक्टली अपने मदर की तरह लगेगा। सेकंड पिक्चर है कैंगरू की और उसके साथ उसके बेबी जॉय की, जब ये ग्रो करेगा ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह मदर की तरह लगेगा। और हेयर काव है उसका बेबी काफ, तो वो जब ग्रो करेगा तो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह लगेगा। अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स। अब प्लांट कैसे उनकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है, प्लांट के पास फ्लावर्स होते हैं फूल, जिसमें वो क्या कर रहे होते हैं उनमें उनकी फ्लावर में उसकी सीड बन रही होती है। और अब जब हम सीड को ग्रो करते हैं, सीड ग्रो टू मेक न्यू प्लांट। अब जब हम सीड जब ज़मीन के अंदर ग्रो करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, उससे न्यू प्लांट बन रहे होते हैं। तो ये इस प्लांट में रिप्रोडक्शन ऐसे हो रही होती है, इस तरह सीड्स मेक न्यू प्लांट।